उत्तराखंड में मंदिर मस्जिद और 4000 घर टूटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट रेलवे की जमीन से कब्जा हटाने का दे चुका है आदेश। मुंबई में 25वीं मंजिल से गिरी लिफ्ट, फंसा रहा 20 साल का युवक, अस्पताल ले जाते वक्त मौत। तीन सौ कुत्तों को पालने वाली बुजुर्ग अभी घर में रहेंगे। दिल्ली एमसीडी ने 80 साल की प्रतिमा की तोड़ी थी झुग्गी। पाकिस्तान बिजली संकट से बेहाल, पीएमओ में बगैर लाइट की बैठक। 6200 करोड़ रुपए बचाने के लिए सरकार ने जारी किया प्लान। कश्मीर में आईएसआई की भर्ती करने वाला आतंकी घोषित अहमद अंगर, 20 वांटेड, अलकायदा से भी रिश्ते, अफगानिस्तान में रह रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर चंदौली से है, जहां मुगलसराय कोतवाली के चंदासी पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में कक्षा 9 की छात्रा को अपहरण कर दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नाबालिग छात्रा का आरोप है कि जिस घर में उसको रखा गया था उसमें महिलाएं भी थी। साथ ही युवती ने यह भी आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट की गई है, डराने के लिए ब्लेड से उसके शरीर पर जगह जगह काटा भी गया है। वहीं पीड़ित के परिजनों ने पुलिस पर मामले में हिला हवाली का आरोप लगाया है। फिलहाल घटना के 24 घंटे बाद अब तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्या हुआ है? उस लड़की को कल ये लोग 24 घंटा आई थी कुछ सामान लेने दुकान पर, 3-4 बच्चों के साथ में, उसके साथ से वो लोग उसी समय से वो लड़की गायब थी। हम लोग किसी को नहीं खबर था, उसकी माता रही थी, सब खोजी रात भर कहीं नहीं मिली, तो उन लोग को शक हुआ कि यहाँ पे बच्ची है। तो उस घर में गई, 2-4 बार पूछे तो उसके घर वाले भगा दिए, गाली गलौज करके भगा दिए। फिर उसके बाद वो लोग चले गए, लेकिन फिर भी गए वहाँ पे, सग गया, ताला खुलाए तो बच्ची वहीं पे मिली। कौन लोग हैं ये? वही है उसका भाई, अभी सजा काट रहा है, उम्र कैद का, गौतम चौहान। हाँ, और डोढ़ा उसका भाई है, उसी का ही छोटा भाई है। एक महीना पहले एक ईटा वाला शंकर उसकी लड़की के साथ ऐसी छेड़खानी किया था, तो चौकी पर किसी तरह उसको छोड़ा। पाल जी, आप यहाँ थाने पे आए हैं, क्या मामला है? यहाँ पे मेरे नेबर में कांड हुआ है, और ये कांड का विवरण ये है कि वो बच्ची 3 दिन पहले शॉप पे कुछ सामान लेने गई थी, और उसी समय दो बच्चियाँ गई थी, उसी समय एक बच्ची को किसी बंदे ने पीछे से मुंह बंद करके और वो रूम में ले गया, अगली बच्ची चली गई घर। उसके बाद हम लोग सोचे कहीं गई होगी घूमने के वास्ते, और एक दो घंटे हो गए हम लोग को पता नहीं चला, हम लोग शाम हो गए नहीं मालूम चला। हम लोग फिर पूछे जो बच्ची दूसरी गई थी, उसने बोला कि वो बच्ची मेरे साथ ही थी, लेकिन पीछे से पता नहीं कहाँ चलेगी, हम नहीं देखे। लेकिन जहाँ बच्ची वो गायब हुई थी उस लोकेशन पे हम लोग गए, तो वहाँ सब लोगों ने पूछा। हम लोग दुकान गए थे उधर से आ रहे हैं, तो भीड़ तो मेरा हाथ पकड़ के गली से ले कर गया, फिर उसकी निशा तो आई तो मेरा हाथ काटी थी, और बोली थी किसी को तुम बताओगे तुम्हारे घर का किसी को आते जाते रहे, धमकी देती थी मारने के लिए। आपकी एज क्या है? 15। कितने बजे घटना है? 6 रात में। हाँ। कौन कौन लोग थे, कुछ जानकारी है? हाँ, निशा थी, उसकी मम्मी थी, और लड़के में कौन कौन थे? नाम नहीं जानती हो? किसी को पहचानती हो? हाँ। थाना क्षेत्र मुगलसराय के चंदासी चौहान बस्ती निवासिनी एक महिला द्वारा आज थाने पर इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसकी पुत्री, जिसकी उम्र लगभग 15 साल है, वह परसों अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकली थी और घर वापस नहीं गई। ये घर वाले उसकी तलाश करते रहे, और कल 3 जनवरी को उसकी लड़की भीम चौहान के घर से बरामद की गई, घर वालों ने ही बरामद किया है। और लड़की ने अपने बयान में बताया कि उसके साथ भीम चौहान द्वारा दुष्कर्म किया गया है। तो प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना पर सुसंगत धाराओं में
अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा के क्षेत्र अंतर्गत याकूत में मंदिर पर पूजा करने वाली महिला को गांव के दबंगों ने गोली मार दी। वहीं गोली महिला के हाथ में लगी है, जिसके बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची मौके पर पुलिस ने घायल को आनन फानन में जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहाँ महिला का इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। रमेश, शिवम और आशा और महेश वहाँ पर मंदिर पर पूजा करने मम्मी गई थी, वहाँ पर गोली मार दी उनके और यहाँ डॉक्टर ने लगे यहाँ भर्ती करवा दिया। मंदिर पर आए दिन चोरी हो रही थी, पुलिस के पास भी गए थे। औरैया जिले के अयाना थाना क्षेत्र के बेछलपुर गांव में एक छात्र का शव पेड़ पर लटका मिला, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक छात्र कुछ दिन पहले लापता हो गया था, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस में दी थी और पुलिस के साथ परिजन छात्र की तलाश कर रहे थे। थाना अयाना के अंतर्गत एक बेछलपुर गाँव पड़ता है, इसके प्रधान ग्राम प्रधान जो श्याम सिंह है, उन्होंने करीब दो बजे करीब थाने पर सूचना दी कि एक लड़का है जिसका नाम ओम सिंह सनाफ जगरूप सिंह, उम्र करीब 17 वर्ष है, इसने बबुल के पेड़ पर यमुना नदी के किनारे फांसी लगा लिया है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के उसका पंचनामा भरा गया, उसके बाद से पोस्टमार्टम के लिए इसे भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इस पर की जाएगी। हरदोई में किसानों ने आवारा पशुओं को पकड़कर पालिक कृषि शिक्षा इकाई परिसर में बंद कर दिया। बता दें कि 500 आवारा पशु किसानों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। इन आवारा पशुओं से त्रस्त पाली नगर के किसानों ने ईओ पाली को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन आवारा पशुओं की समस्या हल नहीं हुई, जिसके बाद परेशान किसानों ने नगर क्षेत्र में मौजूद सैकड़ों आवारा पशुओं को पकड़कर पाली कृषि रक्षा इकाई परिसर में बंद कर दिया। जानकारी के मुताबिक करीब 3 घंटे तक किसानों ने आवारा पशुओं को यहां बंद रखा, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन हरकत में नहीं आया, तब किसानों ने इन आवारा पशुओं को नगर पंचायत कार्यालय में बंद करने का फैसला लिया। इसकी भनक लगते ही आनंद फारन में अधिशासी अधिकारी प्रकाश चंद गोपालन और पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा मौके पर पहुंचे। इन लोगों ने किसानों को समझा बुझा कर शांत कराया। बहुत समस्या खराब की हम दवाई जेम हटा रहे घूमत रात ही भरी दाऊद साहब हम मरे जात अब हमारे संग 20 हमारे मोहल्ला घूम रहे, न कोई चेयरमैन सुनती नहीं यो सुनती न पुलिस कोई सुनती, 5 ही गैया साहब बहुत परेशान है। तुमने इसकी शिकायत की? शिकायत करी हमने टाउन ने, हम 8 गांव साहब गए। गाय तो खेत खा रही है, गाय को बंद करी है इसलिए। आपने किसी उच्च अधिकारी को नहीं ये सूचना दी? ईओ को सूचना दी थी, ईओ ने कहा कि हम पकड़वाएंगे, लेकिन ईओ नहीं सुन रहा। बांदा में शहर कोतवाली क्षेत्र के मवई बाईपास चौराहे, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को कुचल दिया। घटना में महिला की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक चालक ट्रक के नीचे स्कूटी को तकरीबन 500 मीटर दूर तक घसीटते हुए ले गया, साथ ही शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ट्रक में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस मृतक लड़की के शरीर को बाहर निकालने में जुट गई। वही घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। देखा तो कोई नहीं, लेकिन निकली है वहां से भी एम्प्लाई है, वहीं से ऑफिस से निकली है। कहाँ की एम्प्लाई है? कृषि विश्वविद्यालय में। हाँ हाँ, ये अभी उनके भी हस्बैंड भी खत्म हो गए हैं अभी। हाँ। एक साल पहले उन्हीं की जगह में पोस्ट उनको मिली है। इधर देखिए। हाँ, तो क्या नाम था इनका? इनका पुष्पा सिंह नाम है। तो कहाँ आई थी ये? यहाँ ये पेट्रोल लेने जा रही थी। गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव के जंगल और लूणी थाना क्षेत्र के सीती गांव के माजरे में थाना क्षेत्र में गायब दो युवकों के शव मिलने से सनसनी मच गई। दोनों डेड बॉडी सड़ी गली अवस्था में जंगल और खेत में पड़ी मिली। शवों की हालत बेहद खराब थी, उनको जगह जगह से जानवरों ने भी नोच रखा था। वहीं परिजनों का कहना है कि दोनों युवक के चेहरे पर तेजाब भी डाला गया है, जिससे कि उनकी शिनाख्त ना हो पाए। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दो मर्डर हुए हैं जो फैक्ट्री वाले ने करे हैं यहाँ पे। क्या नाम है युवकों के? युवक का नाम, एक का नाम दुर्गेश कसाना, एक का गौरव कसाना। मैं 31 तारीख से गायब थे। मैं जो दुर्गेश है मेरे ताऊ का लड़का है। मेरे को 2 तारीख में फोन आया चाचा ताऊ के लड़के का, छोटे वाले का, जय किशन का। उसने कहा भाई ऐसे दुर्गेश गायब है। तो उसने जब मेरे को बताया, मैंने वहां पे उन्होंने हमने सोचा 31 तारीख है, कहीं ना कहीं पुलिस वालों ने चेकिंग में कहीं से भी गायब हो गए हूँ। मैंने पता करा वहाँ पे नहीं था। फिर मैं इससे रेगुलर बात कर रहा था, तो आज दोपहर में इसका फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे एक की बॉडी मिली है।
तो मैं सीधा यहाँ पे आया तो पता चला दूसरे की बॉडी मिली है, और यहाँ पे पता चल रहा है दोनों एक ही गांव के और एक ही परिवार के रहे। थाना टीला मोड़ क्षेत्र में गांव रिस्तल और गांव चिरौड़ी में शाम को 3 बजे पे दो शव बरामद होने की सूचना प्राप्त हुई थी। दोनों की पहचान उनके परिवारजनों द्वारा गौरव कसाना उम्र करीबन 25 वर्ष और दुर्गेश कसाना उम्र करीबन 25 वर्ष के रूप में की गई है। मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में आगामी G20 सम्मेलन के दृष्टिगत होने वाले कार्यों के संबंध में लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी और सचिव पवन कुमार गंगवार ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, शहीद पथ और एयरपोर्ट कनेक्टिंग रोड समेत संबंधित स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में मुख्य अभियंता अवधेश तिवारी, अधिशासी अभियंता संजीव कुमार गुप्ता और राजकुमार समेत अन्य अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। बुलंदशहर के पहासू ब्लॉक क्षेत्र में किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए देर रात खेतों पर पहरा दे रहे हैं। आवारा गोवंशों से किसान बेहद परेशान है। भयंकर सर्दी के बाद भी किसान रात में खेतों पर पहरा देते हैं क्योंकि आवारा गोवंशों से किसान बुरी तरीके से परेशान है। वहीं गांव के प्रधान और सेक्रेटरी से शिकायत की जाती है तो किसानों की समस्या को दूर करने के बजाय किसानों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, जबकि सरकार गौशालाओं की बात कर रही है। क्या नाम है आपका? सतपाल। कहाँ के रहने वाले हो? अजीजाबाद। अच्छा, आप जो आसमान से जिस तरह से बर्फ पड़ रही है तो आप खेतों पर पहरा किस लिए दे रहे हैं? अरे गाय बाजार सगरी की गेहूं को फसल को खाया जाए, रात दिन को पहरा लग रहा है, कैसे करें? मरे जाए घोटन से चलो ना जा, सर्दी में बर्फ पड़ रही है। अच्छा, आपके द्वारा जिस तरह से आपकी 85 साल उम्र है, हाँ, और आप रात के 12 बजे खेतों पर पहरा देते हैं, हाँ, तो किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको? परेशानी ये है, रात को खेती पर अपन रखा में और ठंड में बर्फ पड़ रही है ऊपर से। क्या नाम है आपका और खेतों पर क्यों पहरा दे रहे हो आप? अब पहरा न लगा रहे हैं क्योंकि गैया बाजार सब रहो इतना नुकसान कर रहे हैं क्योंकि इतने इतने से पार पार के ला रहे हैं उन्हें, जब खा जाए जब पार के ला में जब सजा खा जाए। अब कोई घर रहने वालों ना कमाने वालों ना कांटे खामे कांटे बालकन को करें। अच्छा, जिस तरह से बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो क्या करें, जाड़े शीत में सब मरने पर रो इन गैया बाजारन के मारे। अच्छा, गाँव के प्रधान थे या सेक्रेटरी से आप लोगों ने कभी शिकायतें की है? खूब शिकायत करिए, कोई ना सुनो, सब उल्टी वल्ल लगे हमें। योगी जी तो ये कह रहे थे कि किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। अच्छा, जो आप लोग रात में खेतों में पहरा दे रहे हैं, किस कारण पहरा दे रहे हैं? साहब, गैया बाजार को बहुत बड़ा आतंक है। करीब आवारा गोवंशों को लेकर कितनी संख्या होगी यहाँ? कम से कम 100-150 गाय हैं और जा खेत में घुस जाए वही को सुपड़ा साफ कर दें साहब। तो किसी से शिकायत की है? करिए साहब शिकायत, सेक्रेटरी प्रधान से शिकायत करिए, जिले तक पहुँची है लेकिन कोई सुनवाई ना कर रहा। प्रधान सेक्रेटरी तो उल्टे और बोले कि अपने घर में बांध लो। जिस समय सरकार आई थी तो सरकार ये कह रही थी किसानों को कोई परेशानी नहीं होने जाएगी, हाँ। जी तो अब क्या परेशानी है? परेशानी क्या है साहब, वादा कर दो। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम मानसिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? अजीजाबाद। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा सर्दी जिस तरह से पड़ रही है तो आप खेतों पर पहरा किस लिए दे रहे हैं? गाय परेशान कर रही है साहब, पहले चरी खाएगी धान खाएगी अब फिर गेहूं में बाढ़ लगा दो। तो क्या बजे तक पहरा देते हो आप लोग? कम से कम 10-11, ज़्यादा सर्दी लगे तो साहब 9:30 बजे 11 बजे रह जाए, 10 बज जाए, अब आलाप ताप तो रहे हैं। तो इसी तरह रोज पहरा देते हो? हाँ, मजबूरी में देना पड़ेगा साहब, फिर क्या खाऊंगी बालक। अच्छा, आपने गाँव के प्रधान है, सेक्रेटरी है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस